हास्य जत्रेच्या मंचावर अनेक कलाकार भेट देत असतात, तर यूट्यूब स्टार भुवन बाम आणि उत्तम अभिनेता तसंच क्राईम पेट्रोल हिंदीमध्ये सूत्रसंचालन करणारे अनूप सोहोनी यांनी हास्य जत्रेच्या मंचावर हजेरी लावली आहे. नमस्कार, मैं हूं भुवन बाम और कई लोग मुझे बीबी की वाइंस के नाम से जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल की वजह से. लेकिन आज मैं इस सेट पे हूं महाराष्ट्र की हास्य यात्रा में एंड इट्स अ वंडरफुल फीलिंग. बहुत मजा आ रहा है, इट्स बीन फन. और ये कितने लेजेंडरी एक्टर्स हैं, स्टेज परफॉर्मर्स हैं, जिनको देखने का मुझे आज सौभाग्य मिला है. एंड अगर कैमरा घुमाएंगे तो सर के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है. मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम एंड सो ग्लैड टू बी हियर. मैंने यहाँ बहुत परफॉर्मेंस देखे, ऐसा कुछ विटनेस करना लाइव, इट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर विद म्यूजिशियंस, विद एन अमेजिंग बैंड एंड विद सच सपोर्टिव को एक्टर्स. तो खूब आवड़ा वाला. हाँ, और मजे की बात यह कि मैंने परफॉर्म भी किया है स्टेज पे, तो यदि आप मेरी परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ा हल्का हाथ रखें है, तो जाने दे, कुछ चीजें कुछ एक्सेंट जाने दे. बट बहुत मजा आया परफॉर्म करके, आऊंगा वापस, बुलाएंगे तो. मजा आया, बहुत मजा आया. और स्टेज पे परफॉर्म कर रहा हूँ मैं पिछले 6 साल से, बट हर बार उतनी हालत खराब होती है जितनी पहली बार हुई थी. और सही है, वो स्टेज पे आने के बाद एक बार हो जाता है तो फिर हो ही जाता है. आणि पाहिला विसरू नका महाराष्ट्राची हास्य यात्रा सोनी मराठी वर. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला महाराष्ट्राची हास्य यात्रा में. और ये शो से मेरा नाता कैसे जुड़ा, एक बड़ी फनी स्टोरी है. मेरी मम्मी अभी कुछ वक्त पहले ही यहाँ बॉम्बे शिफ्ट हुई, वो दिल्ली रहती थी, तो उनके घर पे पूरा इंटीरियर्स किया गया, टीवी केबल कनेक्शन लगा. लेकिन कमाल की एक चीज हुई कि जब भी उनका टीवी ऑफ होने के बाद ऑन होता है तो केबल पे पहला चैनल यही आता है और इसी प्रोग्राम से शुरू हुआ. जब मैं, मतलब ये कोइंसिडेंस है कि जब जब मैं उनके घर गया उनसे मिलने, जो कि हफ्ते में कम से कम 3-4 बार होता है, और जब भी मैं जाकर टीवी ऑन करता हूँ तो यही प्रोग्राम चल रहा होता है, तो यहाँ से ये कनेक्शन शुरू हुआ. ऑब्वियसली जाने माने चेहरे थे इस पूरे शो में, जो बहुत ऑलरेडी जिनका नाम है मराठी सिनेमा में, फिल्मों में, तो बेहतरीन एक्टर्स हैं, बेहतरीन टाइमिंग है कॉमेडी की. मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि हम कहते हैं कि लाफ्टर थेरेपी जो है इट्स वेरी गुड सबके लिए. जो है सुबह उठ के लोग लाफ्टर क्लब में जाते हैं, पार्क में जाकर हा 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 फेक हंसी हंसते हैं, तो मेरा तो सजेशन ये है कि भैया आप सुबह उठिए, इनकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए इस शो की, या जब भी मौका मिले इस शो को देखते रहिए, आपकी अपना लाफ्टर थेरेपी का कोर्स जो है वो वैसे ही हो जाएगा. सो आई एम रियली ग्लैड कि मैं इस शो में आ पाया और सारे एक्टर्स से मिल पाया. मौका तो इस वजह से बना कि हम मैं और भुवन यहाँ ढिंडोरा के प्रमोशन के लिए आए थे, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात का आइडिया नहीं था कि भुवन एक इतना प्रॉपर कैरेक्टर परफॉर्म करने वाला है आज स्किट में. ऑब्वियसली एज एन एक्टर तो मैं उसको जानता ही हूँ, ही सो वर्सेटाइल और मल्टीपल कैरेक्टर्स करने में माहिर है वो, लेकिन इसमें मराठी और बोलकर जो उन्होंने, ऑब्वियसली वो मराठी बोलते हैं लेकिन दिल्ली में रहे इतने साल, हिज परफॉर्मेंस वॉज अमेजिंग एंड आई थिंक जो पूरा एक्ट था उनका प्रसाद के साथ बहुत बहुत मज़ेदार था. तो आई एम सो हैप्पी कि ये जैसे भी मौका बना यहाँ आने का मौका मिला.